सा पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी वेदांती महाराज का देवलोक गमन, नाथ मंदिर में संत स्नान के बाद अंतिम यात्रा प्रारंभ। देश विदेश से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे, बड़ी संख्या में संत समाज ने, साधु संत भी मौजूद रहे। अग्नि संस्कार के रूप में होगा अंतिम संस्कार। उत्तराधिकारी महंत राजेंद्र दास देवाचार्य मलुका पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदावन धाम भी पहुंचे रेवासा। हुकुम सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। हुकुम सिंह, क्योंकि दुखद खबर ये मिली, रेवासा पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी वेदांती महाराज का देवलोक गमन सबके लिए काफ़ी दुख भरा था, लेकिन अब अंतिम संस्कार की तैयारी भी चल रही है वहाँ पर। बताइएगा किस तरीके से, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, रेवासा धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जिनका नाम ही ये कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका नाम, और दो दो बार गोल्ड मेडलिस्ट संस्कृत शिक्षा में रहे हैं राघवाचार्य जी महाराज, और उनके वो हज़ारों अनुयायी जो इस समय हमारे कैमरा पर्सन साथी दिखाएंगे कि हज़ारों वो धर्म गुरु अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अनुयायी इस समय बैंकुटी जो यात्रा पर प्रारंभ होने के पहले उसी बैंकुटी को सजाया है, जिस तरीके से पूरे नगर भ्रमण के लिए राघवाचार्य जी की बैंकुटी निकलकर और उस स्थान पर पहुँचेगी बावड़ी पर जहाँ पर उनका अग्नि संस्कार होगा, अग्नि अंतिम संस्कार होगा। और इस समय जो हमारे कैमरामैन साथी विजुअल दिखा रहे हैं, ये तमाम वो धर्मगुरु हैं जिनको देश भर में आप लोग भागवत कथा का रसपान करवाते लोग सुनते हैं, जिनके कथा वाचन के माध्यम से लोग भारतीय संस्कृति के रीति नीति को जानते हैं। ये वो तमाम पीठाधीश्वर या तमाम वो पीठाधीश्वर के अनुयायी हैं जो लाखों की संख्या में देश भर में हैं, और 62 ऐसे धर्मगुरु हैं जो यहाँ पर रेवासा में अध्ययन करने के बाद में कह सकते हैं कि सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं। हम रेवासा पीठाधीश्वर के बात करें, राघवाचार्य जी की बात करें, उनके योगदान को करेंगे तो प्रदेश भर में 80 से ज़्यादा संस्कृत वेद्य विद्यालय इन्होंने प्रारंभ किए थे, और जो गौशाला में इनके योगदान की बात करें तो पूरे इनके जो विभिन्न सेवा प्रकल्पों की शुरुआत इन्होंने रेवासा से प्रारंभ की, और इस रेवासा से जो सेवा प्रकल्प की शुरुआत की वो पूरे प्रदेश भर में कई गौशालाओं में आप लोग देखते हैं, और तमाम गौशालाओं को आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। पंच जो गवे से दवा, केंचुआ खाद, नस्ल सुधार जैसे तमाम ऐसे कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ किए। इन्होंने महिलाओं को गौशालाओं से जोड़ा, एक एक दिन प्रत्येक रोज़ 1 रुपये के योगदान से। और हम इनके योगदान की बात करें कि छुआ छूत को इन्होंने भगाया, इनकी जो पूजा पाठ में हमेशा मेघवाल वाल्मीकि को इन्होंने यजमान बनाया है। इनके योगदान को राम जन्मभूमि से जोड़ें तो राम जन्मभूमि में इनके योगदान को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। साथ ही रेवासा पीठाधीश्वर की हम लोग बात करें, तमाम ऐसे सीएम भजनलाल शर्मा जी ने भी इनके योगदान को नमन किया है। इसके साथ ही चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम पॉलिटिकल लीडर, और उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गुरु का के जाने से भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ है, और उसी तरह ये पूरे देश भर से अनुयायी जो आए हुए हैं हमारे साथ में, घनश्याम तिवाड़ी जी भी मौजूद हैं। घनश्याम जी तिवाड़ी साहब लगातार यहाँ, घनश्याम जी बच्चों लाइव आप चल रहे हैं, जिस तरीके से महाराज जी के जाने से भारतीय संस्कृति को जो नुकसान हुआ, एक आध्यात्मिक गुरु और जिनको जी महाराज भी आ गए हैं जी। तो देखिए, जो देश विदेश से अनुयायी आए हुए हैं वो अंतिम बार दर्शन स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के कर रहे हैं, जिन्होंने उनको सुना। संस्कृति को जीवंत रखने में साधु संतों की भूमिका अनुकरणीय है, अतुलनीय उनका योगदान जो बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनका नाम न केवल सीकर में या रवासा में बल्कि उनका नाम संपूर्ण देश में था। वो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी थे, और जब राम जन्मभूमि का हुआ शिलान्यास, उसमें जिन एक आदमी को बुलाया उनमें महाराज राघवाचार्य जी महाराज थे। उनके जान बड़ी अपूर्ण क्षति तो देखिए,
स्वामी राघवाचार्य जी वेदांति महाराज का देवलोक गमन सभी को दुखी कर रहा है। नाथ मंदिर में संत स्नान के बाद अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे हुए हैं। सभी दुखी हैं, शोकाकुल हैं। बड़ी संख्या में संत समाज से साधु संत भी मौजूद हैं। अग्नि संस्कार के रूप में अंतिम संस्कार होगा। उत्तराधिकारी महंत राजेंद्र दास देवाचार्य मलूका पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदावन धाम भी पहुंचे हैं रेवासा। और ये तस्वीरें गुरुकुल में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो तो उपस्थित हैं ही, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। गुरु की तरह, पिता की तरह भूमिका थी। आज मैं बड़ा ऐसा ही महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 1996 में जब मेरी 16 साल की उम्र थी तब मुझे चादर पोसी हुई थी तो पूजे राघवाचार्य जी महाराज ने की थी। आज मुझे पूरा प्रदेश गौ सेवा के गोभक्त के रूप में जानता है। इसका सारा श्रेय जाता है तो पूज्य राघवाचार्य जी महाराज को जाता है। आज माँ की तरह, पिता की तरह, गुरु की तरह खो करने के बाद में जो फीलिंग होती है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। आज पूरा शेखावटी नहीं, पूरा राजस्थान का संत समाज, सनातन समाज अपने आप को बड़ा दुखी महसूस इसलिए कर रहा है कि वो सब के अभिभावक थे। हम गौ माता की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए बड़े से बड़े ताकतों से लड़ने के लिए इसलिए नहीं डरते थे कि हमारी पीठ के पीछे पूज्य राघवाचार्य जी महाराज का संबल था।